आर्मी दो साल से पाकिस्तान का सबसे बड़ा, मेरे ख्याल है हिस्ट्री का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएट कर रही थी और वो दे दिया गया अभी पिछले एक आध महीने में, रेकोटेक की माइंस का। रेकोटेक की माइंस के कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि ये जब मैंने शुरू लिखा था, शुरू में लिखा था 2011-12 में, तो उस वक्त उसका फिगर था टोटल कि ये पूरा प्रोजेक्ट जो है, या गोल्ड जो होगा या जो कॉपर जो होगा, इसकी वैल्यू होगी तकरीबन 250 या 260 बिलियन डॉलर्स, 20 बिलियन डॉलर्स, 250 के उस वक्त के गोल्ड के रेट्स के हिसाब से, सोने के जो रेट थे तकरीबन 1000 डॉलर्स पर आउंस था इस तरह। अब वो हो गया तकरीबन 1800-1900 डॉलर्स पर आउंस, और भी शायद बढ़ जाए, तो डबल हो गया है वो। तो कम अज कम इस प्रोजेक्ट का साइज जो है वो है 400-500 बिलियन डॉलर्स। ये आर्मी ने निगोशिएट करके प्राइवेटली, किसी को इन्वॉल्व किए बगैर, कोई ट्रांसपेरेंसी के बगैर, कोई बिडिंग के बगैर, किसी को बुलाए बगैर, किसी को बताए बगैर ये निगोशिएशन हो गई और दे दिया गया। और कहा गया कि जी वो उन्होंने 10 बिलियन का फाइन जो हुआ था वो माफ को पे करेंगे खुद, ये बड़ी हमारी विक्ट्री। जनाब 10 बिलियन इस कॉन्ट्रैक्ट में इस पीनट्स, और मुझे पता है कि जो बाकी लोग कंपनीज थी जो कि बिड करने के लिए तैयार थी अगर ये इंटरनेशनल बिडिंग होती, तो वो भी ये कह रही थी ये 10 बिलियन हम खुद दे देंगे, आप इसको छोड़ें, आप हमसे कॉन्ट्रैक्ट डील करें, टेंडर करें, हम बिड देते हैं, जो भी हाईएस्ट हो उसको दें आप। मगर वो प्राइवेट बिडिंग हुई, सीक्रेट नेगोशिएशंस हुई। अब किस किस के साथ हुई और क्या हुआ ये मैंने ISPR को भेजा है, क्वेश्चन है 10-11 सवाल भेजे कि सर प्लीज आपने जो प्रेस रिलीज इश्यू किया था उसमें कोई डिटेल नहीं थी। मैंने खुद जो जिस कंपनी को दिया गया है, बैरिक जो कंपनी है, उसको भी मैंने वही सवाल भेजे हैं कि जी आपने ये जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है इसके कोई बताएं तो सही कि ये है क्या, इसकी आउटलाइन क्या है, कितने टोटल फिगर है, कितना पाकिस्तान को मिलेगा, कितना कंपनी लेके जाएगी, कौन पैसे देगा, इसकी सिक्योरिटी का कौन जिम्मेदार होगा, जो खर्चा आएगा सिक्योरिटी का बलोचिस्तान में फौज करेगी, रेंजर करेगी, उसके पैसे कौन देगा, क्या कुछ डिटेल्स तो कुछ बताए। अभी तक नहीं आया, मुझसे वादा किया है ISPR वालों ने कि वो बताएंगे और मैं वेट कर रहा हूं कि जरूर बताएं। तो चाइना तो वाले तो मैंने सुना है, ये अब ये डिप्लोमेट्स और आपके लोग बताएंगे, वो कह रहे हैं कि जी हमें CPAC में 50-60 बिलियन में आपने लगा के इतने दिनों से रगड़ रहे हैं कि ये सड़क बनाओ और इधर ले जाओ और ये ग्वादर करो, ये करो वो करो, और जो मदर ऑफ ऑल प्रोजेक्ट से था बाबाए जो था 500-600 बिलियन का, वो आपने सीक्रेटली दे दिया, उसमें चाइना का कोई हिस्सा ही नहीं। हालांकि मैं इस बात पे तैयार नहीं हूं कि चाइना ने जो कुछ पहले सेंडक पे किया है वो बहुत अच्छा किया है पाकिस्तान के साथ, लेकिन एक कंपटीशन तो फिर भी जरूरी है, होना चाहिए था। और भी कंपनीज होती हैं, चाइनीज भी होती, अमेरिकन होती, कैनेडियन होती है, और फिर देखते कि जो सबसे बेस्ट बिडर उसको देते, तो शायद अब ये बताएंगे तो पता चलेगा कि किस किस से नेगोशिएशन हुआ, प्राइवेट हुआ, क्या हुआ।